आज आपने वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया है, ये क्या है? देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष बगले मामा, इनकी अध्यक्षता में मैंने आज वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया। हमारे पश्चिम के अध्यक्ष, पूर्व के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी वंचित बहुजन आघाड़ी के, इनके समक्ष मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया, ऐसा मैं कहता हूँ। क्या लोकसभा इलेक्शन का टिकट का है चांसेस? देखिए, लोकसभा लड़ना नहीं लड़ना ये हमारे सदर प्रकाश अम्बेडकर साहब लेंगे। अगर वो मुझे उम्मीदवारी नहीं देते, किसी और को भी देते, तो पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ मैं काम करता हूं। और मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुरे से हुई थी, मैंने वहां से राजकारण शुरू किया। 95 से लेकर आज तक मैं शहर में सब समाज को साथ में लेकर चलता हूं। और सबसे ज़्यादा काम मैं मुस्लिम समाज और दलित समाज का करता हूँ। कारपोरेशन का भी इतिहास उठाकर देख लो, शहर में भी देख लो, जुल्म अन्याय अत्याचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रहती है। और प्रकाश अम्बेडकर साहब भी जुल्म अन्याय अत्याचार चाहे कोई भी समाज का हो जिसमें होता है, बाला साहब हमेशा आवाज उठाते हैं। उनके आवाज में आवाज मिलाने के लिए मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन उनके काम से मैं प्रभावित होकर आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया, ऐसा मैं कहता हूं। अगर उम्मीदवारी मिली तो फाइट किससे रहेगी? देखो, अगर उम्मीदवारी मिलती है मुझे, उस काबिल अगर बाला साहब समझते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी समझते हैं, तो मेरी लड़ाई चंद्रकांत खैरे से होगी, ऐसा मैं स्पष्ट कहता हूं। और मेरे लड़ाई में सिर्फ चंद्रकांत खैरे रहेंगे, ऐसा मैं शहरयाने औरंगाबाद को आपके माध्यम से, जिले को ये बताना चाहता हूँ कि मैं सक्षम हूँ हर चीज से मुकाबला करने के लिए। बाला साहब का सिपाही बन गया हूँ आज, और बाला साहब ने जो आदेश दिया उसका पालन करूंगा। आपके माध्यम से सारे शहर, सारे जिले, मराठवाड़े और महाराष्ट्र को मैं गवाही देता हूँ। आइए जाइए।